नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के विनाशकारी रूप के बाद बहरूपिया कोरोना और नए नए रूप बदल रहा है। इतना ही नहीं, रूप के साथ ये कमजोर होने के बजाय और ज्यादा मजबूत ही होता जा रहा है। देश में डेल्टा वेरिएंट के कारण आई आंधी से अभी देश निकला भी नहीं था कि कोरोना के लैम्डा वेरिएंट ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई मामलों के बीच कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, जानकारों की माने तो यह वेरिएंट कोरोना के बाकी सभी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है और वैक्सीन के कारगर होने की भी कोई जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। WHO की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार दुनिया में ऐसे 29 देश हैं जहां पर इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इसके आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्च अप्रैल महीने में इस वेरिएंट के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है, जिसके बाद ही चिंता का कारण बने लैम्डा वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया है। WHO की माने तो कई देश में फिर से बढ़ रहे मामलों का अहम कारण लैम्डा वेरिएंट ही है। ज्ञात हो, जब भी किसी वायरस के नए वेरिएंट की पहचान होती है तो उस वेरिएंट को और ज्यादा जानने समझने के लिए WHO उसकी निगरानी करता है। इसके लिए वायरस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसके बाद अगर इस बात की पुष्टि हो गई है कि वो वायरस ज्यादा संख्या में लोगों को अपनी चपेट में लेने की क्षमता रखता है तो ऐसे वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा जाता है। कोरोना के अब तक आए नए मामलों में अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। अब आइए आपको बताते हैं लैम्डा वेरिएंट है क्या। सबसे पहले आइए समझते हैं कि म्यूटेशन आखिर होता क्या है। कोई भी वायरस लंबे समय तक जीवित रहने और खुद को मजबूत बनाने के लिए जीनोम यानी कि संरचना में बदलाव करता रहता है। वायरस के इसी मूल संरचना में होने वाले बदलाव को म्यूटेशन कहा जाता है और इन बदलावों के बाद वायरस अलग अलग रूप से हमारे सामने आता है, जिससे कि हम वेरिएंट के नाम से इसे जानते हैं। अब आइए जानते हैं कि सबसे पहले इस नए वेरिएंट की पहचान आखिर हुई कहां पर। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा की पहचान सबसे पहले भारत में हुई थी, जिसके बाद से यह अन्य देश में भी पाया जाने लगा था। वहीं लैम्डा वेरिएंट की पहचान दिसंबर 2020 में सबसे पहले दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में हुई थी। हालांकि पेरू में लैम्डा वेरिएंट के मामले अगस्त महीने से ही आने लगे थे, जिसके कारण ही लैम्डा वेरिएंट की मूल उत्पत्ति की जगह पेरू को ही माना जाता है। पेरू में 80% से ज्यादा मामलों के लिए इस नए वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना गया है। हालांकि इस नए वेरिएंट को लेकर अब चिंता बढ़ने लगी है, जब इस साल मार्च के अंत तक 25 से ज्यादा देश में इसके मामले सामने आने लगे। अब आइए जानते हैं कि इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या क्या है। जानकारों की माने तो इस नए वेरिएंट के मरीजों में तेज बुखार, सर्दी, खांसी, टेस्ट स्मेल में बदलाव होना या बिल्कुल नहीं आना, सांस लेने में परेशानी, बदन दर्द और थकान जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। यानी कोरोना बाकी वेरिएंट की तरह ही लैम्डा के भी लक्षण फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें इस वेरिएंट के प्रसार की तो फिलहाल कोरोना का यह नया वेरिएंट मार्च के बाद से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 29 देशों में फैल चुका है। जानकारों की माने तो ज्यादातर देश में इस नए वेरिएंट के फैलने की वजह पर्यटक है। वैज्ञानिकों की माने तो लैम्डा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 7 अलग अलग म्यूटेशन देखने को मिल रहे हैं। इनमें से एक म्यूटेशन L452Q डेल्टा वेरिएंट में भी पाए गए हैं। प्रीप्रिंट सर्वर MedRxiv पर पब्लिश एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक लैम्डा वेरिएंट का स्पाइक प्रोटीन वैक्सीन द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी के असर को कम कर सकता है। इसी स्टडी में यह भी बताया गया है कि लैम्डा वेरिएंट अल्फा और गामा के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है। साथ ही लैम्डा वेरिएंट से संक्रमित लोगों में वैक्सीन से एंटीबॉडी बनने की संख्या भी 3 गुना तक कम हो गई है। हालांकि इन सबके बीच राहत की बात यह है कि फिलहाल लैम्डा वेरिएंट का एक भी मामला भारत में सामने नहीं आया है। लेकिन चूंकि यह वेरिएंट बाकी सभी वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है, ऐसे में भारत में भी वैज्ञानिकों की नजर कोरोना के बदलते स्वरूप पर टिकी हुई है। वहीं कोरोना की इस लड़ाई में एकमात्र साधन वैक्सीन हर किसी को मुहैया करवाया जा रहा है, जिससे कोरोना को रोका जा सके और भारी संख्या में लोगों को मौत के मुंह से बचाया जा सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।